अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन इंशाल्लाह। प्लीज़ ओपन योर साइंस टेक्स्ट बुक पेज नंबर 17। टुडे वी हैव टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अर्थ वॉज नॉट ऑलवेज कम्प्राइज ऑफ 7 कॉन्टिनेंट। ने कहा अर्थ जो है वो हमेशा से 7 कॉन्टिनेंट्स उसके नहीं थे। 175 मिलियन ईयर्स अगो 7 कॉन्टिनेंट्स वर ऑल कनेक्टेड इन टू वन सुपर कॉन्टिनेंट सराउंडेड बाई अ वेरी लार्ज ओशन। दिस सुपर कॉन्टिनेंट वॉज नॉन एज पेंगे। उन्होंने कहा है कि पहले जो 175 मिलियन ईयर्स अगो जो 7 कॉन्टिनेंट्स थे वो सारे एक ही कॉन्टिनेंट के साथ कनेक्ट थे, जो कि पूरे मतलब सारी जगह को एक ओशन ने सराउंड किया हुआ था, और इस जो सबको मिला के एक पूरा सुपर कॉन्टिनेंट है हम उसको पेंगे कहते हैं। इट स्लोली बिगेन टू ब्रेक अपार्ट इंटू 7 डिफरेंट पीसेज एंड ड्रिफ्टेड टू द पोजिशन वी फाइंड दैम इन द प्रेजेंट। उन्होंने कहा है कि इसमें वो कह रहे हैं कि ये जो है स्लोली स्लोली टाइम के साथ साथ ये जो है डिफरेंट 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में ये ब्रेक हो गया, एक बड़ा जो कॉन्टिनेंट था, और आज का आज जो हाँ जिस पोजिशन में हमें मिलता है इस शेप में आ गया। कॉन्टिनेंट्स आर वेरी लार्ज लैंड मैसेज फाउंड ऑफ द अर्थ। कॉन्टिनेंट जो है वो बहुत बड़े बड़े ज़मीन के हिस्से हैं जो अर्थ पे पाए जाते हैं। द अर्थ हैज 7 कॉन्टिनेंट्स, अर्थ के 7 बड़े आज़म हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज दे आर, अपने साइज़ के ऑर्डर से अगर हम उनको देखें तो सबसे पहले आता है एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप एंड देन ऑस्ट्रेलिया। Some consider North America and South America considered to be just one land mass referred to as the American continent. कह कुछ जो है लोग ऐसे हैं जो कि South America और North America को सिर्फ एक ही continent जो है वो recommend करते हैं और इसका नाम वो कहते हैं American continent. यूरोप एंड एशिया आर ऑल्सो कम्बाइंड एट टाइम्स एंड रेफर टू एज यूरेशिया। उन्होंने कहा है कि एक टाइम ऐसा था जिसमें यूरोप और एशिया भी आपस में कम्बाइंड था और इसका नाम था यूरेशिया। ईच ऑफ द 7 कॉन्टिनेंटल लैंड मैसेज इज डाइवर्स एंड डिस्टिंक्टली यूनिक विद इट्स ऑन प्लांट्स, एनिमल्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, कल्चर एंड वेदर। उन्होंने कहा है कि जो सारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ये अपनी ज़मीन की जो इनकी डाइवर्सिटी है और इनके ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जिसमें प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, डेजर्ट, और इन सारी चीज़ों की वजह से हर एक जो बरे आज़म है वो फेमस है। दिस कॉन्टिनेंट्स आर ब्रीफली डिस्कस्ड बिलो। अब हम एक एक करके इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। फर्स्ट जो कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। एशिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन साइज। एशिया जो है वो साइज़ में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट। ये वाहिद ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कंटेनिंग अराउंड 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। यानी कि दुनिया की जो 60% पॉपुलेशन है वो एशिया में पाई जाती है। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे बड़ी जो इस दुनिया की चोटी है माउंट एवरेस्ट। इट इज़ सिचुएटेड इन महालंगर सेक्शन ऑफ द हिमालयाज इन एशिया। ये हिमालयाज में पाया जाता है माउंट एवरेस्ट, जो कि एशिया में है। यांगजी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया एंड थर्ड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड विच फ्लोज थ्रू चाइना। ने कहा यांगजी एक ऐसा रिवर है जो सबसे लंबा रिवर पाया जाता है और जो सबसे लंबा रिवर है और दुनिया का थर्ड जो है वो बड़ा रिवर है जो कि चाइना में है और ये भी मतलब एशिया में ही आ जाता है। गोबी डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया। एशिया का सबसे बड़ा जो सहरा है वो गोबी डेजर्ट है। चाइना, इंडिया एंड जापान आर द मोस्ट इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज। एशिया के जो 3 कंट्रीज़ हैं जिसमें कि चाइना, इंडिया और जापान, ये जो है वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेबल कंट्रीज़ हैं। द लार्ज ऑयल प्रोडक्शन नेशन ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आर ऑल्सो इन एशिया। और जो पूरी दुनिया के जो जहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस होता है वो भी सारे एशिया में ही हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इन एशिया हैज़ इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। इकोनॉमिक ग्रोथ जो एशिया की है उसने इंसानों के जो स्टैंडर्ड्स हैं के रहने के वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। बट देयर इज़ अ पॉवर्टी गैप बिटवीन रिच एंड पीपल। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो गैप है, यानी कि अमीर और गरीब का बहुत ज़्यादा फ़र्क है एशिया में। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डाटा रिकॉर्ड अराउंड 60% ऑफ द वर्ल्ड पुअरेस्ट पीपल लिव इन एशिया। ने कहा है कि अगर हम वर्ल्ड डाटा देखें पूरी दुनिया का तो दुनिया के जो 60% जो गरीब लोग हैं वो भी एशिया में ही हैं। नेक्स्ट इज एशिया इज ब्रॉडली डिवाइडेड इन टू 6 रीजन्स एंड एज शोन इन द मैप। उन्होंने कहा एशिया को हम 6 रीजन में डिवाइड करते हैं जिस तरह मैप पर दिखाया जा रहा है। नॉर्दर्न एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया, साउदर्न एशिया, ईस्टर्न एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। There are 53 countries in Asia, including Russia and Turkey. उन्होंने कहा है कि एशिया में 53 countries आते हैं जिनमें रशिया और तुर्की भी इंक्लूड होते हैं, विच लाई इन बोथ यूरोप एंड एशिया, जो कि यूरोप और एशिया दोनों के अंदर हैं, यानी कि बॉर्डर पर पाए जाते हैं।
देयर इज ऑल्सो ताइवान विच इज टेक्निकली अ पार्ट ऑफ चाइना बट इट इज नॉट ऑफिशियली रिकोगनाइज एज अ कंट्री बाय द यूनाइटेड नेशंस. क्या एक ताइवान भी ऐसा कंट्री है जो कि चाइना का पार्ट है, लेकिन ये जो है वो रिकोगनाइज नहीं होता, कि एक कंट्री रिकोगनाइज नहीं होता, यानी कि एक कंट्री के लिहाज से इसको पहचाना नहीं जाता ताइवान को. नेक्स्ट आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 19 पे मंडारिन के बारे में लिखा है कि मंडारिन इज वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन एशिया. मंडारिन एक ऐसी ज़ुबान है जो एशिया में ज़्यादातर बोली जाती है. अरबिक इज़ अनदर मेजर लैंग्वेज, दूसरी जो लैंग्वेज है वो अरबिक है. इंग्लिश इज़ इंटरनेशनली पॉपुलर थ्रू आउट द एशिया, और इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनली तौर पर पॉपुलर होती है एशिया में. इट इज़ रिकोगनाइज एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन मैनी कंट्रीज ऑफ एशिया इवन दो इट डज़ नॉट हैव सिग्निफिकेंस नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर. उन्होंने कहा है कि यहाँ पर एशिया में बेशक यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को ये वाली लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन फिर भी जो इंग्लिश है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो कंसिडर किया जाता है. एशिया इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ मैनी रिलीजियन सच एज इस्लाम, हिंदुज़म, बुद्धिज़म, सिखिज़म, ज़ोरोएस्ट्रियनिज़म एक्सेट्रा. पीपल प्रैक्टिस देयर रिलीजन फ्रीली इन एशिया. ने कहा इन सारे रिलीजियंस जो हैं ये सारे एशिया में पाए जाते हैं. नेक्स्ट वन इज़ यूरोप. अब हम यूरोप के बारे में पढ़ते हैं. इट इज़ द वर्ल्ड थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाई द सर्फेस एरिया. ने कहा यूरोप जो है वो दुनिया का जो तीसरा जो है पॉपुलेटेड आता है मुल्क और सॉरी कॉन्टिनेंट और सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है अपने एरिया के लिहाज से. इट कवर्स अबाउट 6.8% ऑफ द अर्थ सर्फेस एरिया. अर्थ का जो 6.8% एरिया है उसमें यूरोप फैला हुआ है. इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 733 मिलियन विच इज़ 11% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. यानी कि इसकी पॉपुलेशन जो है वो दुनिया की जो 11% पॉपुलेशन है वो यूरोप में पाई जाती है. यूरोप इज़ द मोस्ट डेवलप्ड कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ इट्स इकनॉमिक. यूरोप जो है वो सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्री है अपने इकनॉमिकली लिहाज से. यूरोपियन यूनियन इज़ द बिगेस्ट इकनॉमिक एंड पोलिटिकल यूनियन इन द वर्ल्ड. हमारी दुनिया की सबसे बड़ी जो यूनियन है यूरोपियन यूनियन वो यहीं पर है यूरोप में. देर आर 50 कंट्रीज़ एंड सेवरल टेरेटरीज इन यूरोप. ने कहा है कि यूरोप के अंदर 50 मुल्क आते हैं और मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा टेरेटरीज आती हैं. The country of Russia is the largest country and Vatican City is the smallest country. यूरोप का सबसे बड़ा जो कंट्री है वो रशिया है और सबसे छोटा जो कंट्री है वो वेटिसन है. However, Russia has a portion of its land in both the continents of Europe and Asia. जबकि रशिया जो है वो उसका पोर्शन कुछ यूरोप में भी आता है और कुछ एशिया में भी आता है. There are several bodies of water that surround the continents of Europe. ने कहा है कि बहुत ज़्यादा ऐसा समंदर है जो कि यूरोप के इर्द गिर्द पाए जाते हैं. टू द साउथ देयर आर मेडिटेरेनियन एंड ब्लैक सी. उन्होंने कहा है कि यूरोप के साउथ के ऊपर जो है वो मेडिटेरेनियन सी है और ब्लैक सीज है. अटलांटिक ओशन लाइज टू द वेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट वेयर एज आर्टिक ओशन इज टू द नॉर्थ ऑफ इट. उन्होंने कहा है कि यूरोप के जो वेस्ट है उसके ऊपर अटलांटिक ओशन पाया जाता है और जिसका नॉर्थ है उस पर आर्टिक ओशन पाया जाता है. उसके बाद है क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड जुदाइज्म आर द मेन डोमिनेटिंग रिलीजन इन यूरोपियन कल्चर. यूरोप में जो सबसे ज़्यादा मजहब पाए जाते हैं वो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुदाइज्म है. जर्मन इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज ऑफ फॉलोड बाई इटालियन, इंग्लिश एंड स्पेनिश. में क्या जर्मन जो है वो ऐसी लैंग्वेज है जो यूरोप में बहुत ज़्यादा बोली जाती है. क्लास आज का लेक्चर आप लोगों का यहीं तक था. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे. टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.